दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करेंगे टीवीएस कंपनी के लेटेस्ट टीवीएस जुपिटर एडिशन जो इसका लॉन्च किया गया है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि भारत का सबसे पहला एक ऐसा स्कूटर है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है। दो कलर्स के साथ में फिलहाल हमारे सामने ये अवेलेबल है, एक स्काई ब्लू कलर के अंदर और एक है मैट ब्लू कलर के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरा इसके स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस और इसके माइलेज के बारे में बताने वाला हूं। इसके सामने आपको एलईडी लाइट्स मिलती है यहां पर, काफ़ी खूबसूरत है, जो कि आपकी नाइट की विजिबिलिटी को काफ़ी अच्छा बढ़ाती हैं। और नीचे की साइड में आपको यहां पर इंडिकेटर मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर इसको बनाया गया है, क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं, हेलोजन बल्ब के रूप में इसको इंडिकेटर दिए गए। सबसे बड़ी खास बात दोस्तों इसके टायर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और इन व्हील्स का जो साइज़ है वो लगभग 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर के रूप में इसमें ये व्हील्स मिल जाते हैं। सामने की साइड में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि स्कूटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ सामने की साइड में आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिलती है, यहाँ पर आपको टीवीएस का लोगो मिलता है, बैजिंग मिलती है क्रोम फिनिश के साथ में और यहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्ट की जो है ग्राफिक के साथ में यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। सामने कुछ डिज़ाइन दिया है इसका यहाँ पर इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए और मडगार्ड के ऊपर भी यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा क्रोम फिनिश यहाँ इसके अंदर दिया गया है। तो इस तरह का ये स्कूटर है, लेटेस्ट लॉन्च किया गया वो स्कूटर है, दो कलर्स के अंदर अवेलेबल है मेरे सामने। अगर इसकी सीट्स के बारे में आपको बताऊँ मैं तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट हैं, आप देख सकते हैं ये जो सीट है ये कंपनी फिटेड ही सीट आती है, हमें यहाँ ये जो कवर है अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये जो सीट है इसी कलर के अंदर कंपनी की तरफ से आती है, काफ़ी खूबसूरत इसकी सीट है। अगर मैं पीछे के लुक की बात करूं तो आपको यहां पर इसका फ्यूल टैंक लिड मिल जाता है टीवीएस की ग्राफिक के साथ में और पीछे का जो लुक है कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। यहां पर यहां आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, यहां आपको रिफ्लेक्टर मिलता है और पीछे इंडिकेटर और एलईडी लैंप्स मिलते हैं, साइड में आपको दोनों साइड में इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। 5 लीटर का इसका लगभग फ्यूल टैंक होता है जो कि आप पीछे से खोल करके पेट्रोल फिल करवा सकते हैं, मतलब कि आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जुपिटर ग्रैंड एडिशन का बैजिंग मिलती है और नीचे की साइड में आपको यहाँ पर एक सुंदर सा छोटा सा इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप है वो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सी वी टी आई टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको CVTI इंजन का मतलब होता है कि ये एक इसका एक प्रकार है, 4-स्ट्रोक इंजन मिल रहा है हमें सिंगल सिलेंडर इसके अंदर जो कि CVTI टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये जो इंजन है एयर कूल्ड इंजन होता है, OSC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, BS4 नॉर्म्स वाला ये इंजन होता है। लगभग 109.7 cc इससे आउटपुट मिलता है और इस गाड़ी के अगर हम टॉर्क के बारे में बात करें तो 8.4 Nm का हमें इससे टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर पावर की बात करें तो लगभग 5.88 kW का इसका पावर हमें मिलता है। दोस्तों अगर माइलेज के बारे में बात करें तो ये स्कूटर आपको लगभग 60 के आसपास का माइलेज कंपनी बताती है देने का, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि लगभग 58-57 का ये माइलेज आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर आसानी से देगा। यहाँ पे अगर हम और फीचर्स की बात करें तो ये डुअल टोन प्लास्टिक कलर के अंदर आता है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक जो पीछे की साइड में दिख रहा है ये ब्लैक कलर में नहीं है जो कि इसके लुक को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाता है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर दिख रहा है और पीछे की साइड में आपको क्रीम कलर का यहाँ पर या बेज कलर कह सकते हैं, इस कलर के अंदर आपको इसका प्लास्टिक जो बॉडी है वो दिखती है। यहाँ पे आपको इसका चॉक सिस्टम मिलता है, अगर आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती है सर्दी या वजह से तो आप चॉक लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक हुक मिलता है जिसमें आप अपना कुछ सामान कैरी करके लेके जा सकते हैं। की है दोस्तों, इस तरह की दो कीज हमें मिलती हैं और चाबी लगाने का आपको फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप ऑन ऑफ और पुश करके आप इस गाड़ी के हैंडल को लॉक भी कर सकते हैं इस तरह से। साथ ही यहाँ पर आपको शट ऑफ यानी कि आपकी की में कोई दूसरा की ना डाले इसलिए आप इसको यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके MID के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे ही की को ऑन करते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका जो डिस्प्ले है वो दिखाई देता है, कलरफुल डिस्प्ले है काफ़ी। ड्राइविंग मोड मिलते हैं, एक इको एक पावर, यानी कि दो मोड के अंदर आप सेलेक्ट करके अपनी गाड़ी को चला सकते हैं या आपकी गाड़ी जब चलेगी तो आपको ये इंडिकेट करेगी कि आप किस स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अगर इको में चल रहे हैं दैट मीन यू विल गेट योर ऑप्टिमम माइलेज बाय दिस स्कूटर, और अगर आपको ज़्यादा लोड के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये पावर जो है वो शो करेगा। रही बात दोस्तों यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर है, प्लस आपको यहाँ पे फ्यूल गेज का साइन दिखता है और लाइट वगैरह के साइन आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। नीचे की साइड में बात करें तो छोटा सा LCD डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको ट्रिप मीटर इवन आपको टाइम वगैरह की फैसिलिटी भी इसके अंदर मिल जाती है कि आप
टाइमिंग को मैच करते हुए आप अपने ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। ये अभी इसका फ्यूल एम्प्टी है, इसलिए आपको जीरो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, पास लाइट मिलता है, और यहाँ पे इंडिकेटर स्विच, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच, और राइट हैंड साइड में आपको इंजन स्टार्ट करने का, यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट करने का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। तो इस तरह का सामने का इसका लुक है। लेफ्ट हैंड साइड हैंड लीवर पर अगर देखते हैं तो यहाँ में कॉम्बी ब्रेक मिलता है, यानी कि आप इस ब्रेक को लगाते हैं तो आपका अगला और पिछला दोनों ही जो ब्रेक्स है वो कॉम्बिनेशन के साथ में काम करेंगे और आपकी गाड़ी स्किड नहीं हो पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है। और राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे फ्रंट का इंडिविजुअल ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दो आपको यहाँ पर साइड मिरर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ब्लैक कलर के अंदर ये आते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके डिक्की पोर्शन की हम बात कर लेते हैं। इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिलता है, यानी काफ़ी बड़ी डिक्की है। यहाँ पर आप अपना हेलमेट भी रख सकते हैं, इवन आप अपना काफ़ी सारा सामान भी इसके अंदर रख के लेके जा सकते हैं। काफ़ी सफिशेंट एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको इस डिक्की के अंदर यहाँ पर मोबाइल को चार्जिंग के लिए आपको पॉइंट लगाने का प्रोविज़न भी दिया गया है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट लगा सकते हैं। और ये इस तरह का इसका डिक्की पोर्शन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिनिश और काफ़ी प्लास्टिक अच्छे मटेरियल का यूज़ किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से इसका चेसिस नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि जब भी अगर आपको अपना चेसिस नंबर भी देखना है इनकेस, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल इस तरह का इसका व्यू हो गया डिक्की पोर्शन का। अगर मैं इसके नीचे से बताऊँ सीट को, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका कुशन इफेक्ट है, काफ़ी वाइड इसकी सीट है दो लोगों के बैठने के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी सीट है। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपको मिलती है लगभग 1834 mm की इसकी हमें लंबाई मिल जाती है ओवरऑल स्कूटर की, और 650 mm का हमें यहाँ पर चौड़ाई मिलती है विड्थ, और 1115 mm की हमें इसकी ऊंचाई मिल जाती है। तो इस तरह का तो इसका ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई हो गई। रही बात व्हील बेस की करें, तो यहाँ पे हमें जो व्हील बेस मिलता है 1275 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि आपकी गाड़ी की रोड पे स्टेबिलिटी को अच्छा रखता है और आपकी ड्राइविंग अच्छी होती है। और इस गाड़ी की अगर सीट हाइट की बात करें तो 765 mm की आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है। 765 mm की जो सीट है वो मेरे ख्याल से एक अच्छी हाइट है, जिसको कि आप एक एवरेज लंबाई वाला व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है। 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ में आती है, और हेडलैम्प वगैरह आपको एलईडी मिलता ही है। अब मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बता दूं लगभग, तो ये प्राइस इसकी जो है 64,765 रुपीज़ है ग्रांड एडिशन टीवीएस जुपिटर की। लेकिन अगर हम ऑन रोड की बात करें तो लगभग 82,089 रुपीज़ के आसपास का आपको ये पड़ता है प्राइस। छोटा सा रिव्यू था दोस्तों, टीवीएस जुपिटर ग्रांड एडिशन, जो कि भारत का पहला स्कूटर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ये आता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी गाड़ी के बारे में आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो वीडियो मैं बना पाया हूँ, ये चंदन टीवीएस जुपिटर का शोरूम है अन्नपूर्णा रोड इंदौर पर। आपको डिटेल में जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा, और इनके द्वारा दिए जा रहे किसी भी विशेष ऑफर के बारे में आपको पर्सनली यहाँ पर ही आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।